हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए रेसिपी के साथ। इस रेसिपी का नाम है आटे का हलवा। ये आम तौर पर हर घर में बनता है, बहुत इजीली बन जाता है। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स लगा है वो घर में इजीली अवेलेबल रहता है और ये बहुत ही हेल्दी स्वीट डिश है। बड़ों को भी पसंद आती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। ओके, और मैं सबको बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने मेरे वीडियोस को लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, ये मुझे बहुत इनकरेज कर रहा है ताकि मैं नया वीडियोस आपके सामने लाऊं हर दिन। थैंक यू एंड लेट्स बिगिन माय रेसिपी। तो अब मैं अपनी रेसिपी की ओर चलती हूँ और स्टार्ट करती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं आटे का हलवा बनाना। आटे का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए एक बोल आटा, गेहूँ का आटा है ये, एक बोल शक्कर, एक बोल घी, कुछ काजू और बादाम के टुकड़े, ये दो इलायची जिसे मैं पाउडर करके रखी हूँ, और ये एक ग्लास पानी। अब हम बनाते हैं शुगर सिरप। मैं गैस ऑन करती हूँ, इसमें एक ग्लास पानी डाल देती हूँ और ये शुगर इसमें डाल देती हूँ। हमें खाली शुगर को डिसॉल्व करना है पानी में, इसका दो तार का चाशनी नहीं बनाना है। खाली शुगर पानी में मिल जाए बस इतना ही ध्यान रखना है। शुगर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसे निकाल के दूसरे जगह में शिफ्ट कर देती हूँ और यही मैं रखती हूँ ये वाला कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे ये घी। हमें पूरा घी नहीं डालना है दोस्तों, दो टेबलस्पून बचा के रखना है। अब ये घी को मैं डिसॉल्व होने देती हूँ कढ़ाई में। घी गरम हो रहा है, इसमें मैं आटा डालती हूँ धीरे धीरे करके। इस तरह आटा में पूरा घी मिल जाना चाहिए दोस्तों। ये ब्राउन होने तक हमें अभी इसे फ्राई करना है घी में। आटा घी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अभी कुछ देर बाद इसे फ्राई करते करते इसका कलर भी चेंज होगा। लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें भूनना है, थोड़ा समय लगेगा ये दोस्तों। इसी अच्छी तरह से चारों ओर मिलाते हुए इसे इस तरह से भूनना है। पंद्रह मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, अभी इसमें घी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा है। आपको कंटिन्यू इसको चलाते रहना होगा, वरना ये नीचे की तरफ ब्राउन हो जाएगा आटा और ऊपर पकेगा नहीं। इसीलिए चारों तरफ फ्राई होने के लिए आपको इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना होगा। 15 मिनट्स हो चुके हैं, अभी आई थिंक अनदर 10 मिनट्स और लगेंगे ये इसको कलर ब्राउन आने के लिए। आप इसको इसी तरह से फ्राई करते रहिए, ये सारा घी जो है ऊपर आ जाएगा और आटे का कलर भी चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छा सा खुशबू आएगा आटा। इसी तरह से अभी इसको मिक्स करते रहना है। चारों तरफ से आटा लेते हुए इस तरह से मिक्स करिए, चलाते रहिए।
हमारा आटा कम्प्लीटली भून चुका है फ्रेंड्स, अभी एकदम हल्का हो गया है, घी भी ऊपर आने लगा है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इस स्टेज में हमें ये शुगर का जो सिरप है ये धीरे धीरे ऐड करना है इस तरह से। ये देखिए मिक्स करते रहना है और ये शुगर सिरप इस तरह से धीरे 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 करके डालना है, पूरी अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, इसमें जितने सारे लम्स हैं सारे को अच्छे तरह से आटे में मिक्स करना है। देखिए कितने सुंदर कलर आ गए हैं आटे में हल्का हो। इसी तरह से 2 से 3 मिनट इसे मिक्स करना है, चलाना है। ये देखिए आटा का हलवा, कलर देखिए। अब हम इस हलवा को अलग जगह शिफ्ट करते हैं और इसमें तड़का पैन रखते हैं ऑन करके, जो मैंने घी बोला था बचा के रखने वो इस पर्पस के लिए बोला था। अब इसमें जो है काजू और बादाम को मैं डालूंगी, हल्का सा भूनूंगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना दोस्तों, क्योंकि काजू का कलर बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, जस्ट हल्का सा एक क्रंची फ्लेवर आएगा इसमें। इन द मीन वाइल मैं एक काम करती हूँ, ये जो मैं इलायची रखी थी इसे हलवा में इस तरह से ऊपर से डाल देती हूँ, बाद में मिक्स करूँगी। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ, यहाँ शिफ्ट करती हूँ और इसमें ये काजू बादाम को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। हमारा हलवा रेडी हो गया है फ्रेंड्स। हमारा हलवा बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर बनाएं घर में, और मेरा रेसिपी अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।